नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध साहित्यकार हिंदी भाषा के माखनलाल चतुर्वेदी का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले उनका रेफरेंस चित्र लेके एक हल्की हल्की ड्राइंग बना लेंगे, अंदाजे से देखकर, फिर मोटी लाइन द्वारा ब्लैक पेंसिल से डार्क डार्क लाइन बनाकर ड्राइंग को ऊपर नीचे कहीं एडजस्ट करके जहाँ से सही नहीं लग रही हो ड्राइंग को सही कर देंगे। जेस्चर बनाकर फिर मोटी लाइन द्वारा ड्राइंग को सही करने पर काफ़ी हद तक आसानी रहती है चित्र बनाने में। फिर लाइट ऑरेंज कलर करेंगे और हमेशा की तरह स्किन टोन बनाने के लिए फिर ब्राउन कलर से डिटेल करेंगे। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी का आज हम चित्र बना रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिम तिरंगिणी, हिम कीर्तिनी, युग चरण आदि रही हैं और हिंदी भाषा में इनका छायावादी युग में इनका नाम आता है। हल्की हल्की डिटेल ब्राउन कलर से करते जाएंगे। डार्क जहाँ है वहाँ ज़्यादा ब्राउन कलर करेंगे और ब्लैक कलर से, और जहाँ बिल्कुल डार्क है वहाँ और आँखों की डिटेल करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 यानी 89 में मुंबई में हुआ था और मृत्यु 1968 में हुई थी इनकी। इनको पद्म भूषण और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, अग्निपथ, पुष्प की अभिलाषा आदि बहुत सारे इन्होंने साहित्य में लेखन किया है। माखनलाल चतुर्वेदी, नीचे शॉल बना देंगे, कपड़ों की जगह शॉल ऑर्डर की है तो इनका एक रेफरेंस चित्र है जिसमें आंखों के आसपास डिटेल करते जाएंगे। शॉल में भी जहाँ जहाँ सलवटे हैं वहाँ डार्क ब्राउन कलर से और ब्लैक कलर से डिटेल करेंगे। नाक के आसपास हल्का हल्का डार्क करते जाएंगे। शेडिंग में दोस्तों टाइम लगाना है, रेफरेंस चित्र या उससे मिलता जुलता चित्र लेके।